आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो गवर्नर जनरल से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे। और इस प्रश्न में जो है गवर्नर जनरल से कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं, आप इसको खुद देख लेंगे। तो एसएससी सीजीएल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ में आईएएस पीसीएस और यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम के भी प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सी स्लीमैन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मयो। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से सभी। जो 2020 में आया प्रश्न है, तो उस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है, तो ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वो लॉर्ड क्लाइव था। तो इसका जो शासनकाल आपको याद रखना है, जो लॉर्ड क्लाइव का जो शासनकाल है वो आपको याद रखना है, इसका जो शासनकाल है वो 1757 से लेकर 1760 तक था इसका शासनकाल। इस चीज को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है कि लॉर्ड क्लाइव ने 23 जून 1757 को हुई 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सेना का नेतृत्व नेतृत्व करता नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव ही था लॉर्ड क्लाइव था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शुजाउद्दौला ने, राजा चेत सिंह ने, आसफ उद्दौला ने, राजा महीप नारायण सिंह ने। 2021 में आया प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो राजा चेत सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 1781 ईस्वी में इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो 15 जनवरी 1784 ईस्वी को हुआ था। और इसका जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था वो 1774 से 1785 इनका जो है कार्यकाल है। और इन्हीं के काल में जो है राजस्व बोर्ड का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1772 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो क्या किया जाता था, इसमें जो है कर वसूलने का काम होता था। और इन्हीं के शासनकाल में जो है भगवद गीता का अनुवाद जो है इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भगवद गीता का जो अनुवाद है किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। और किसने करवाया था? तो भगवद गीता का जो अनुवाद है ये विल्किंस नाम के विद्वान ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। और ये भी याद रखना है कि इनके द्वारा कलकत्ता में टकसाल लगाया गया। टकसाल क्या होता है? यहाँ पे सिक्कों को ढालने का काम होता था टकसाल में। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, लॉर्ड हेस्टिंग से, हेरियन लॉरेन से। 2006 में आया प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इनका जो कार्यकाल है आपको फिर से याद रखना है, 1772 से 1785 इनका कार्यकाल पूछा जाता है।
और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, जो एग्जाम में आ चुका है, कि यह एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था, ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था, जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, इस चीज को आप याद रखेंगे। और लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इनका जो शासनकाल है वो 1848 1848 से लेके 1856 इनका शासनकाल है। और इन्होंने जो है राज्य हड़पने की नीति अपनाई, राज्य हड़पने की नीति की शुरुआत की, राज्य हड़पने की नीति शुरुआत की। तो एग्जाम में आ चुका है कि राज्य हड़पने की नीति जो है किसने शुरुआत की थी, तो आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी ने। लेकिन ऑप्शन नंबर, ये इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है। और अब लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 1813 से लेके 1823 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। अब इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो है ये भारत में रैयत क्या लिख गया यहाँ पर, इसको ठीक से लिख देते हैं, भारत में रेतवाड़ी तथा महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत इसी के काल में हुई थी, इस चीज को आप याद रखेंगे। और इनके काल में ही राजा राम मोहन के प्रयास से इनके काल में ही राजा राम मोहन राय के प्रयास राजा राम मोहन राय के प्रयास से जो है इसी के काल में जो है बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ये चीज को आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है। हेनरी लॉरेंस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव, 2013 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि इन्हीं के शासनकाल में 1773 के अधिनियम इन्हीं के शासनकाल में 1773 के अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और ये भी याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है वो 1848 से 1856 है। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था कि इन्हीं के शासनकाल में 1853 में भारत में पहली बार 1853 में भारत में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ था। तो एग्जाम में भी आ चुका है ये कि रेलगाड़ी का जो परिचालन है वो किसके शासनकाल में होता, तो लॉर्ड डलहौजी, इस चीज को आप याद रखेंगे। और इनके शासनकाल में जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये भी याद रखना है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। और ये भी याद रखना है कि सिविल सर्विसेज के लिए सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई, प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। और लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो इनका शासनकाल आपको याद रखना है कि 1864 से 1869 तक इनका शासनकाल रहा है। सॉरी ये गलत है, ये 1864 नहीं है, तो इसका जो शासनकाल है ये 1757 से 1760 है। और जो लॉरेंस है, हेनरी लॉरेंस, इनका जो शासनकाल है वो 1864 से 1869 है, ये चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्निवालिस, उपयुक्त मिसेस वोइनी, ये 2005 और 1996 में प्रश्न है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि ये जो दैत्य शासन है ये रॉबर्ट क्लाइव, ये दैत्य जो शासन है ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था, कब? 1756 में, सॉरी 1700 यहाँ मिस्टेक हो गया, 1765 ईस्वी में ये जो है ये लागू किया गया था, और वो जो समाप्त है ये वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। अब यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। तो इस चीज को आप याद। अब यहाँ पे लॉर्ड कॉर्निवालिस की बात करें तो इनका जो शासनकाल आपको याद रखना है 1786 से 1793 और 1805 ईस्वी इनका जो है शासनकाल है। और इनके समय में क्या हुआ था, तो इनके समय में जिले के समस्त अधिकार जो थे वो किसको दे दिए गए, कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली के किसके द्वारा लागू किया गया था? तो हमने आंसर इसका बताया था, वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन। तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था या फिर लागू किया गया था, और वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, इनके द्वारा समाप्त किया गया था, इनके द्वारा लागू किया गया था। तो यहाँ लागू पूछा तो ऑप्शन नंबर सी इज इसका राइट आंसर होगा। वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो इनका शासनकाल आपको याद रखना है 1774 से 1785 ईस्वी जो है इनका शासनकाल याद रखना है। और इन्हीं के शासनकाल में जो है 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनका जो शासनकाल है आपको याद रखना है 1899 से लेके 1905 इनका शासनकाल है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है सिंचाई आयोग, लॉर्ड कर्जन ने जो है सिंचाई आयोग पुलिस आयोग विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। इस चीज को आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन को बनाकर पूछा जा चुका है स्थापना की। और ये भी याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्निवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलिजली। तो 1992 में आया प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग का जो आपका शासनकाल है आपको फिर से बता देते हैं, 1774 से 1785। इसको बार बार आप लिख लिख के याद करिए तो आपको अच्छे से याद हो गया। अब इनके शासन में क्या क्या हुआ था, तो इसके शासनकाल में हमने बताया था राजस्व बोर्ड का गठन हुआ था जिसमें कर वसूला जाता था। राजस्व बोर्ड का गठन हुआ था, कब हुआ था, 1772 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या किया जाता था, कर वसूला जाता था। और इसके समय में जो है क्या हुआ था, इनके समय में न्यायिक सुधार किए गए। और ये भी याद रखना है कि 1773 के इन्हीं के शासनकाल में 1773 के अधिनियम
1773 की अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और इन्हीं के समय में जो क्या हुआ था, एशियाटिक इन्हीं के समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, बंगाल की स्थापना की गई किसके लिए, अनुवाद के लिए, किसके लिए स्थापना की गई, अनुवाद के लिए। इस चीज को आप याद रखना, किसने करवाया था, तो विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। और ये भी याद रखना है कि इनके शासनकाल में जो है इनके द्वारा जो है कलकत्ता में टकसाल लगाया गया था, कलकत्ता में जो है टकसाल लगाया गया था। टकसाल क्या होता है आपको याद रखना है, यहाँ पर सिक्का ढाला जाता था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।